आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे काशी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने काशी विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि अपनी पत्नी के साथ में वो पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम की, जहां पर दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने पूजा अर्चना की है। अपनी पत्नियों के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि इस वक्त वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इसी कड़ी में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त काशी दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इसी कड़ी में एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी अर्धांगिनियों के साथ में दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम की बताई जा रही है, जहां पर दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने पूजा की है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर कल से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 15 से 17 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र, जहां पर अनुपूरक बजट, लेखा अनुदान बजट जो है उसको जारी किया जाना है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कल से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। 15 से 17 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है, जिसमें अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश करने वाली है सरकार। वहीं सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा सत्र का ऐलान हो चुका है। शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है, जो 15 से 17 दिसंबर तक रहेगा। इसमें अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश करने जा रही है सरकार। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर बसपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा ऐलान किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि अकाली दल के 100 साल होने पर उनको बधाई। अब पंजाब चुनाव में जो बसपा है वो अकाली दल के साथ में चुनाव लड़ने वाली है। तो आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, जिसमें मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने अकाली दल के 100 साल पूरे होने पर अकाली दल को बधाई दी है। वहीं उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब चुनाव में बसपा अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। एक बड़ी घोषणा बसपा की तरफ से की गई है, जहां पर बसपा सुप्रीमो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बसपा की तरफ से एक बड़ा ऐलान, जहां पर बसपा और अकाली दल एक साथ मिलकर पंजाब चुनाव में खड़े होने वाले हैं। गठबंधन देखने को मिल रहा है इस वक्त बीएसपी और अकाली दल का पंजाब चुनाव में। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।